हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल योर पर्सनल कंसल्टेंट में। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2019 की बात करें, इस बार सीबीएसई बोर्ड फुल फॉर्म में है। काफ़ी इंस्ट्रक्शन दिए हैं जो स्टूडेंट अगर फॉलो नहीं करेंगे तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा उनको एग्जाम वाले दिन। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो भी सीबीएसई ने गाइडलाइन तैयार किए, इंस्ट्रक्शन दिए हैं आपको, वो सब चीज़ें फॉलो कीजिएगा ताकि आपको एग्जाम वाले दिन किसी चीज़ की परेशानी ना हो। ये न्यूज लाइव हिंदुस्तान.com में पब्लिश हुई है, जिसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मोबाइल फोन पहला इंस्ट्रक्शन एकदम याद रखिए, मोबाइल फोन अलाउ नहीं है। अगर आप सोचें कि मोबाइल फोन आप कैरी करके ले जाएं, फोन को स्विच ऑफ करें, पॉकेट में डाल के अंदर चले जाएंगे, तो ऐसा आप भूल से भी ना सोचिएगा। अगर आप मोबाइल फोन आपका पकड़ा गया वहां पे, तो आपका फोन वापस नहीं मिलेगा, साथ ही साथ आपको रेस्ट्रिक्टेड भी कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए फोन, अपना मोबाइल सेल फोन घर में रख दीजिए, फोन को भी आराम करने दीजिए, क्योंकि बहुत आपका फोन भी थक गया होगा। दूसरी बात, 10 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। इसलिए एग्जामिनेशन सेंटर आप अपना देख लीजिए कि कितने पहले आप घर से निकले, ताकि आप आधा पौन घंटा पहले एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाए, ठीक है। तीसरी बात आपको बता दें, केवल ब्लू पेन ही से अपना आंसर, अपना क्वेश्चन पेपर लिखें, ठीक है। जरूरत पड़ने पे अगर आपको लगती है अंडरलाइन वगैरह करना, तो आप पेंसिल से अंडरलाइन करिएगा। तीसरी बात, ट्रांसपेरेंट पाउच ही आप कैरी करने के लिए सीबीएसई बोर्ड ने कहा है, ठीक है। प्लास्टिक बॉक्स वॉक्स अलाउड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंट पाउच। 15-20 रुपए स्टेशनरी के बॉक्स में मिलता है, जो पूरा व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट होता है, अंदर का स्टेशनरी आइटम दिखता रहता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंट पाउच के लिए अलाउ किया गया है। और डिजिटल वॉच अलाउ नहीं है, जो स्मार्ट वॉचेस होती हैं ये सब अलाउ नहीं है। और आपको बता दें, एडमिट कार्ड के साथ स्कूल आईडी कार्ड ले जाना जरूरी है। इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी कि एडमिट कार्ड के साथ स्कूल आईडी कार्ड ले जाना जरूरी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि स्कूल वालों ने उनको आईडी कार्ड ही नहीं दिया, इशू ही नहीं किया, तो अब इस पे क्या कर सकते हैं। तो आप आधार कार्ड रख लीजिएगा, और वहाँ अगर कुछ कहा जाए कि आईडी कार्ड कहाँ है, तो आप बताइएगा कि स्कूल वालों ने आईडी कार्ड इशू ही नहीं किया, बनाया ही नहीं है, दिया ही नहीं है, इसलिए आधार कार्ड आपको कैरी करना पड़ा है। तो आप एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड कैरी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको, ये लिंक मैं प्रोवाइड करूंगा। इस न्यूज़ को डेफिनेटली ज़रूर से पूरी न्यूज़ को पढ़िए, ताकि आपको समझ में आए, इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, आपको एग्ज़ाम वाले दिन किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, आप अच्छे से एग्ज़ाम अपना कंप्लीट करके आ जाए। इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ आपको पूछना, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट की रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।